देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जैसे बड़े दिग्गज जो अपने दम पर मैच का पासा पलट सकते थे, उन्होंने संन्यास ले लिया। आखिरी गेंद तक उम्मीद कायम रखने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से दूरियां बना ली, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूरियां बना ली। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि और भी 5 क्रिकेटर ऐसे हैं जो संन्यास लेने जा रहे हैं। जहां साहब, विराट कोहली कप्तानी में दिग्गज खिलाड़ियों का अभाव होने वाला है, दिग्गज खिलाड़ी दूर होने वाले हैं, वो खिलाड़ी जिनके सामने दुनिया का कोई भी गेंदबाज कांपता था, कोई भी गेंदबाज सोच नहीं सकता था कि वो इन बल्लेबाजों को गेंद वीट करा देगा या इनके ऊपर भारी पड़ेगा, ऐसे खिलाड़ी संन्यास लेने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये 5 खिलाड़ी भारतीय टीम के सबसे बड़े चेहरे हैं। मैं अनुरोध करता हूँ इस खबर को आप देखें और शेयर करें। 15 अगस्त 2020 वह दिन जिस दिन भारतीय टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से संन्यास घोषणा करते हुए भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी और सुरेश रैना ने धोनी ने संन्यास घोषणा कर दी। यह क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी टीम के 2 दिग्गजों ने अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा एक साथ की है। हालांकि प्रशंसक अब धोनी से और रैना को नीली जर्सी में नहीं देख पाएंगे, लेकिन वे दोनों IPL में CSK की पीली जर्सी में खेलते नजर आएंगे। कोई वरिष्ठ खिलाड़ी जिन्होंने धोनी रैना के दौरान या उससे पहले भारतीय टीम में अपना डेब्यू किया, उन्होंने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया। कई सालों से भारत टीम से बाहर रहे हैं, खिलाड़ियों को वापसी का इंतजार रहेगा, लेकिन अब धोनी और रैना जैसे खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं, इसलिए कुछ भारतीय दिग्गज जल्दी ही अपने विचार बदल रहे हैं और सेवानिवृत्ति पर विचार कर रहे हैं। आज हम आपको भारतीय टीम के उन 5 दिग्गजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय टीम से दूर होने की घोषणा करने जा रहे हैं। नंबर 1, हरभजन सिंह। भारत के स्पिनर हरभजन सिंह मार्च 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दापण किया। हालांकि यह गेंदबाज अवसरों से वंचित रहा, क्योंकि MS धोनी भारतीय टीम के कप्तान थे। उनकी जगह RS अश्विन को भारतीय टीम में लिया गया। धोनी से पहले भारत के पर्दापण करने वाले हरभजन अब 40 साल के हैं। धोनी के संन्यास लेने के साथ हरभजन के संन्यास घोषणा करने की भी संभावना है। 2012 से भारतीय टीम से बाहर रहे हरभजन ने 2015 में टीम में वापसी की। वह तब 2015-16 में भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन इसी बीच वह ज़्यादा अच्छा नहीं कर सके, इसलिए उन्हें फिर से टीम से बाहर कर दिया गया। उसके बाद हरभजन भारतीय टीम में अपनी जगह फिर से हासिल कर सके। हरभजन को अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले लगभग 4 साल हो चुके हैं। उन्होंने आखिरी बार मार्च 2016 में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ एक 20 मैच खेला था। भारतीय टीम को देखते हुए टीम में एक अच्छे अधिक स्पिनर की ज़रूरत है, इसलिए हरभजन शायद ही भारतीय टीम में वापसी कर पाएंगे, क्योंकि हरभजन अब काफ़ी सीनियर हो चुके हैं और वो जल्दी ही अपने को रिटायर कर सकते हैं। नंबर 2, यूसुफ पठान। भारत के हरफनौला खिलाड़ी यूसुफ पठान ने 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ एक T20 मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पर्दापण किया, लेकिन उनका क्रिकेट कैरियर ज़्यादा लंबा नहीं चला। उन्होंने केवल 4 साल तक भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेला। वह 2012 से भारत टीम से बाहर हैं और अभी तक वापसी नहीं की है। यूसुफ 2007 के T20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप के लिए टीम का हिस्सा थे, लेकिन तब इस ऑलराउंडर ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए उन्हें 2012 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच के बाद भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। उन्हें IPL 2020 में भी किसी टीम ने नहीं खरीदा था। यूसुफ, जिन्होंने भारत के लिए 57 एकदिवसीय और 22 T20 मैच खेले हैं, वह 37 वर्ष के हो चुके हैं। भारतीय टीम के पास रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या जैसे हरफनौला खिलाड़ी हैं, इसलिए यूसुफ पठान जल्द ही अपने संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। नंबर 3 नाम आता है पीयूष चावला का। पीयूष चावला एक हरफनौला स्पिनर हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 2006 के टेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्दापण करने वाले पीयूष चावला को भारत के लिए खेलने का अधिक अवसर नहीं मिला। उन्होंने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 2012 में खेला था। इस बीच उन्होंने भारत के लिए केवल 3 टेस्ट, 25 एकदिवसीय और 7 T20 मैच खेले हैं, क्योंकि उन्हें अधिक अवसर नहीं मिला।
31 वर्षीय चावला पिछले 7-8 साल से भारतीय टीम से बाहर है, उन्हें शायद ही टीम में वापसी का मौका मिलेगा। हालांकि चावला को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई मौके नहीं मिले, लेकिन वह आईपीएल के पहले सीजन से नियमित रूप से खेल रहे हैं। अब तक उन्होंने 157 मैचों में 150 विकेट लिए हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर चावला भी जल्दी संन्यास ले सकते हैं। अगला नाम है पार्थिव पटेल का। पार्थिव पटेल जो पिछले 2 वर्षों से भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम से बाहर है और 8 साल तक सीमित हैं, वे अपने संन्यास पर विचार कर सकते हैं। 35 वर्षीय विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव ने महज 17 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। वह इंग्लैंड के खिलाफ पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। हालांकि एमएस धोनी ने 2004 में भारतीय टीम में प्रवेश किया और जल्द ही टीम में अपनी जगह पक्की कर ली, हालांकि पार्थिव को खुद को साबित करने में ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उन्होंने 2018 तक भारतीय टीम में और अंदर बाहर जाना शुरू कर दिया। टीम में एक वैकल्पिक विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में पार्थिव ने सिर्फ 25 टेस्ट में 934 रन बनाए, 38 एकदिवसीय मैचों में 736 रन बनाए, T20 में 36 रन बनाए। पार्थिव ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में अभी तक एक भी शतक नहीं बनाया है। अगला नाम आता है विनय कुमार का। भारतीय क्रिकेटर विनय कुमार इस सूची में शामिल है, जो धोनी रैना के बाद जल्दी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। विनय ने 2010 में भारतीय टीम में वापसी की, लेकिन वह लंबे समय तक टीम का हिस्सा नहीं रहे। उन्हें 2013 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। अपने क्रिकेट कैरियर में विनय ने एक टेस्ट मैच में 1 विकेट, 31 वनडे मैचों में 38 विकेट, 9 T20 मैचों में 10 विकेट लिए हैं। इतने निराशाजनक प्रदर्शन के कारण उन्हें पिछले 7 वर्षों से भारतीय टीम में जगह नहीं मिली, इसलिए वह जल्द ही अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर सकते हैं। तो ये थे वो क्रिकेटर जो जल्दी ही भारतीय टीम को छोड़कर जा सकते हैं और संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि लगातार संन्यासों का दौर अभी जारी है। अभी युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, पार्थिव पटेल, विनय कुमार जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे जो अब क्रिकेट से दूर जा रहे हैं। अभी और भी ऐसे चेहरे हैं, ऐसे नाम हैं जिनको विराट कोहली कप्तानी में खेलने का मौका शायद ही मिले, क्योंकि हर कप्तान की अपनी एक टीम होती है, चाहे धोनी हो, चाहे सौरभ गांगुली हो, चाहे विराट कोहली हो। विराट कोहली नहीं चाहेंगे कोई सीनियर प्लेयर उनके साथ खेले, इसलिए वो अपनी खुद की टीम बनाना चाहेंगे और उस टीम में जो सीनियर प्लेयर हैं उनको शायद ही दूर कर दिया जाएगा, इसलिए सीनियर प्लेयर लगातार अपने आप संन्यास की घोषणा कर रहे हैं। अनुरोध करता हूँ खबर को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।